इस सब सिचुएशन के दौरान आपके प्रोजेक्ट्स ने कितना सफर किया, और क्या अब हम कुछ दिनों में आपको किसी नई चीज में देखेंगे? कैंसल कल्चर के बारे में तो जानते हैं ना? जी, बहुत अच्छी तरह। बिल्कुल, मैं जो सुन रहा हूँ उनको भी बताना चाहता हूँ कि दे शुड नो अबाउट इट, कि इट्स बेसिकली कि किससे बात करनी है, किसका फोन सुनना है, किसका चेक भिजवाना है, किसके साथ काम करना है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि इसके साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपका नाम डूब जाएगा। I'm sorry, I'm fumbling. But fair enough. मैं इस mentality के खिलाफ नहीं हूँ, it's fair, ठीक है? और इसीलिए मैंने इस दौरान बहुत नुकसान उठाया है, लेकिन काम रुका नहीं है, इसीलिए आज यहाँ आपके सामने हूँ। And अगले कुछ अरसे में इंशाल्लाह इससे बेहतर काम करूँगा, इंशाल्लाह। Thank you so much, Salar. To wrap this up, is there any last thing that you want to say to the audience? Your final message. मैं जो कहूंगा वो शायद लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सच की खासियत ये है कि वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं आता। मैं बहुत कुछ कह चुका हूं, लेकिन अब भी बहुत कुछ अपने अंदर लिए बैठा हूं, और ये बात वो लोग भी जानते हैं जो मुझे आज यहां तक लेकर आए हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप सब इस दुनिया का हिस्सा है, और यहाँ सब लोग एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दूसरे से फायदा उठा रहे हैं, चाहे वजह जो भी हो, क्योंकि हम सब इंसान हैं, गलतियों का मजमू है, फरिश्ते नहीं हैं हम, और ना कभी बन सकते। जो हम हैं नहीं वो बनने का दिखावा करने का क्या फायदा? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ऑनेस्टली थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। माय प्लेजर। जब एक आदमी सुनने समझने की हालत में ही नहीं है तो बेशी पे कैसे आ सकता है? रजा साहब, जेल के डॉक्टर्स उनका मुआयना कर चुके हैं, वो फिजिकली और मेंटली ट्रायल के लायक है। माजरे के साथ सर, अगर जेल के डॉक्टर इस काबिल होते तो वो जेल की बजाय किसी हॉस्पिटल में नौकरी कर रहे होते। सबकी आंखों में धूल झुकी जा रही है जनाब आला। जब एक आदमी एतराफी जुर्म कर चुका है पीछे कह रहे जाते हैं। जनाबे वाला, हम पटिशन दायर करना चाहते हैं ताकि हमारे क्लाइंट को बाकायदा तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट करके सही इलाज करवाया जाए। तहकीकात से यह पता चलता है कि मुलजिम राफे का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं। हमें इस केस में मजीद शवाहिद की जरूरत होगी और पिटिशन को रिव्यू करने के लिए कुछ वक्त दरकार होगा। अगली तारीख दे दीजिए। बहुत हंसी आ रही है। देख रहा हूं वक्त कैसे बदलता है। क्वाइट इंप्रेस्ड विद द इंटरव्यू। I'm jealous too. वो क्यों? ये इंटरव्यू तो मुझे भी दे सकते थे। तुम हो मेरी वजह से तुम्हें कुछ सुनना पड़े या खबरों का हिस्सा बनो, मैं ये नहीं चाहता। Still jealous? थोड़ा सा। बच्चों के जाने से पहले मुझे उनसे मिलवाना। I really want to see them. Sure. मैं समझा सो गई। गलत समझे। ऑल गुड? हाँ हाँ। क्या बात है? एक बात बताओगी सच सच? Am I a bad journalist? क्या मैं एक अच्छा इंसान हूं? ये जो तुम
इस वक्त हो? वो नहीं। मतलब हंस रही हूँ मुझे? नहीं, पर तुम्हें कब से वैलिडेशन की जरूरत पड़ गई? कहीं तुम वो क्या नाम है उस लड़की का, बुशरा, उसके इंटरव्यू से इनसिक्योर तो नहीं हो गया? नॉट एट ऑल, खुश हूं मैं। आई लाइक कॉम्पिटिशन। मैं सोच रहा हूं कि जब हम किसी से बंधे हुए नहीं होते तो ख्यालात में कितने आजाद हो, कुछ खोने का खौफ नहीं होता। You're right. So I think you're brilliant the way you are. एक बहुत अच्छे एंकर हो, एक बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हो, और ये पूरा मुल्क जान। ओके बीवी। अरे I'm serious. तारीफ करती हो ना तो लगता है कोई बुरी खबर देने वाली हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझसे कहोगी कि तुम सालार की फैन हो गई हो? नहीं, I was never his fan. हाँ, पर उसका इंटरव्यू देख के अगर मैं उसकी तारीफ नहीं कर सकती तो उसकी बुराई भी नहीं करूं। और तुम भी मत करना, आसान नहीं होता ना खुद को पूरी दुनिया के सामने एक वल्नरेबल पोजीशन में डालना। कुछ गलत कहा मैंने? जब ये करियर शुरू हुआ था ना, मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करना चाहता था, सिर्फ फील्ड में काम करना चाहता था। लेकिन पता नहीं कब I lost my way. Competitive media war में मैं कहीं अपनी values तो नहीं खो रहा? आज से पहले कभी इस बात ने मुझे तंग नहीं किया, लेकिन आज ये बात मुझे तंग कर रही है। सुनो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बहुत अच्छे फैमिली मैन हो, एक अच्छे जर्नलिस्ट हो, और जहां तक मैं जानती हूं तुम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, कभी कभी इस प्रोफेशन में हम अपनी हद पार कर लेते हैं, और अगर बात सच की हो तो ये भी ठीक है शायद। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम सच के साथ हैं? क्या हम सच बोल रहे हैं? मैं ऑफ ले लेता हूं, कल से आप शो कर लो। ना, मुझे कोई शौक नहीं। आई एम वेरी हैप्पी स्पेंडिंग योर मनी। देखिए ग्रे, पीर और मंगल रात 9 बजे। आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है, नियतों का फतूर गायब है तो मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे। देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।